محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. हर किस्म की तारीफ़ात हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिन लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता खुतबा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज किया, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और वो जिस्म की बजाय रूह को जख्मी करते हैं और बीमार करते हैं। इंसान के ज़िंदगी का सुकून और चैन वो जाता रहता है, हर वक्त की टेंशन, हर वक्त की परेशानी, हर वक्त के गम की कैफियत में इंसान मुब्तला हो जाता है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका की रोशनी में चंद एक ऐसे गुनाहों का तज़करा किया गया, बदगुमानी के हवाले से तज़करा किया, बिला वजह किसी के मुतालिक बुरा गुमान रखना, बुरी सोच रखना, बुरी फिक्र रखना माशरती नासूर है, इंसानियत की जड़ें खोखली कर देता है, आपको अपनी ज़ात की हद तक परेशान कर देता है, दूसरे को अजियत पहुँचे ना पहुँचे आप हर वक्त की टेंशन में रहें। इसी तरह का ये गुनाह उनके हवाले से तज़कर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका, इय्याकुम वज़्ज़न अक्ज़बुल हदीस, इस हदीस मुबारका के रोशनी में तज़करा किया गया। उन गुनाहों में से, उन बीमारियों में से एक बीमारी को ख़ास चुना गया तज़करा करने के लिए, वला तहासदू। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हसद ना करो, एक दूसरे के लिए अपने दिल में हसद ना रखो। हसद के हवाले से थोड़ी सी तारीफ, उसका मानी वो बयान किया गया कि चीज़ क्या बतलाया गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज्तमियानि फी कल्बि अब्दिन अल-ईमान वल-हसद, किसी भी बंदे के दिल में ईमान और हसद ये जमा नहीं हो सकता। या बंदा ईमान वाला होता है या हासिद होता है, जो हासिद होता है वो मोमिन नहीं रहता, जो मोमिन होता है वो हासिद नहीं हो सकता, वो हसद नहीं कर सकता। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दीगर अहादीस से मुबारका मिलती हैं, आज इंशाल्लाह उनका तफसीली तज़किरा होगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वइन्नी वल्लाहि मा अखाफ बादी अन तुशरिकु वलकिन अखाफ अन तनाफसु फीहा औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम अपने बाद तुम्हारे अंदर शिरक के हवाले से परेशान नहीं होता। मैं ये नहीं डरता कि मेरे बाद तुम दोबारा मुशरिक बन जाओगे, दोबारा शिरक करने लग जाओगे, लेकिन वलाकिन अखाफ अन तनाफसु फीहा, मुझे तुम्हारे मुतालिक जिस चीज़ का डर और खदशा रहता है कि मेरे बाद तुम जिस बीमारी में, तुम जिस गुनाह में मुबतला हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तनाफसु फीहा, तुम दुनिया के जाहो जलाल, दुनिया के मोहब्बत, दुनिया के माल के पीछे भागने लगोगे और उसके पीछे भागते हुए एक दूसरे के साथ हसद करने लग जाओगे, मैं इस बात से खौफ ज्यादा हूं। फरमाया मुझे डर है, मुझे खौफ है तुमसे
कहीं मेरे बाद तुम्हारे अंदर की मुकाबलेबाजी ना शुरू हो जाए कि तुम एक दूसरे के माल के अंदर जाओ जलाल के अंदर दुनियावी माल मता के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने ना लग जाओ, और इस काम के करते एक दूसरे के साथ हसद में मुब्तला ना जाओ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की तरफ पहली उम्मतों के बीमारी सिरकती हुई आ रही है, वो बीमारी जिसने पहली उम्मतों को बर्बाद किया, जिसने पहली उम्मतों को हलाक किया, वही बीमारी मेरी उम्मतों की तरफ भी सिरकती हुई चली आ रही और आहिस्ता आहिस्ता उनमें शमूलियत इख्तियार कर जाएगी। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है दाल उम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उम्मतों की बीमारी है, उसने कई उम्मतों को हलाक किया। पूछा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बीमारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बीमारियां अल बग़्ज़ा वल हसद, एक आपस में दूसरे के लिए बुगज रखना, नफरत रखना, अदावत रखना, कीना रखना, दिल में ये ख्याल पाल लेना, दिल में ये सोच पाल लेना। आपने पिछले जुम्मा में भी इस हवाले से वजाहत की, अपना गुमान, अपनी सोच, अपनी फिक्र, खुद किसी बंदे के हवाले से अपना कंसेप्ट कायम कर लेना, अपनी सोच बना लेना, अपनी फिक्र बना लेना, ये बंदा है ही बुरा, ये बंदा है ही करप्ट, ये बंदा है ही फुला, ये बंदा है ही धमका। आपको उसकी हकीकत का इलम नहीं, आप उसके बारे में जानते कुछ नहीं, आप उसके बारे में खबर नहीं रखते, अपने गुमान के, अपने ख्याल के, अपनी सोचों के आपने घोड़े दौड़ाए, ना आपके पास कोई सबूत है, ना आपके पास कोई दलील है, खुद ही अपना एक माइंडसेट बना लिया, खुद ही अपनी सोच और फिक्र बना ली, पर दिल में उसके लिए नफरत पालना शुरू कर दी, दिल में उसके लिए अदावत पालना शुरू कर, दिल में उसके लिए कीना रखना। एक ये बीमारी और दूसरी बीमारी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल हसद, एक दूसरे से हसद करना। हसद थोड़ा सा उसकी तफसील बता दूं, यहाँ पे मैंने बतलाया था ये चीचड़ या चीचड़ी एक कीड़ा होता है हसदल, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया, खून चूसने वाला। हसद की तफसील के हवाले से मुफस्सिरीन उलमाए किराम का यह कहना है इंसान किसी के पास कोई नेमत देखे, किसी के पास कोई अच्छी चीज देखे, किसी में को खूबी देखे, सलाहियत देखे, ये ख्वाहिश करना कि ये सलाहियत इसे छिन जाए, ये नेमत इसे छिन जाए, ये मालूमत इसे छिन जाए, ये खूबी इसके पास ना रहे पर ये मेरे पास आ जाए, इसका नाम है हसद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसी बीमारी है, फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ये मूंड के रख देती है, मूंडने से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतहल के शर्त, तुम ये समझो कि शायद ये सर के बालों को मूंड देगी, नहीं नहीं ये दीन को मूंड के रख देती है। जिस तरह इंसान का सर गंजा हो जाए, साफ हो जाए तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बाल, चटियल मैदान सा नजर आना शुरू हो जाता है सर पे, और मैं बिल्कुल यही कैफियत हसद करने वाले की होती है, उसका ईमान जाता रहता है, उसके ईमान को मोड़ के रख देती है ये बीमारी, इतनी बुरी बीमारी, ईमान का खात्मा कर देती है, ईमान को खत्म करके रख देती है, ये इतनी बुरी बीमारी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन्नास अफज़ल, लोगों में से अफजल कौन है, लोगों में से आला कौन है, लोगों में से बेहतर कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मखमूमुल कल्ब सदूक लिसान, हर वो बंदा जो अपनी जुबान का सच है, जिसकी जुबान साफ सुथरी है, सच्ची बात करता है, सच बोलता, झूठ में मुब्तला नहीं होता, और मखमूमुल कल्ब बंदा है जिसका दिल नरम हो, मखमूमुल कल्ब हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुदूकुल लिसान की तो समझ आती है, वो बंदा जो सच्ची जुबान इस्तेमाल करता है, सच्ची गुफ्तगू करता है, झूठ नहीं बकता, झूठ नहीं बोलता, उसकी तो समझ आती है। मखमूमुल कल्ब हमने जुमला पहली दफा सुना, इसकी जरा वजाहत करते हैं, मखमूमुल कल्ब किसको कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मखमूमुल कल्ब होने की निशानी लोगों में अफजल बंदा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ हो, और उसका दिल फरमाया हर किस्म के जुल्म और ज्यादती से पाक हो, उसके दिल में नफरत ना हो, उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुग़्ज़ ना हो, और उसके दिल में हसद मौजूद ना हो, ऐसे दिल को मखमूमुल कल्ब कहते हैं। जिस दिल में हसद मौजूद ना हो उस दिल को मखमूमुल कहते हैं। जिसका दिल हसद से पाक हो गया, अदावत से पाक हो गया, जुल्म ज्यादती से पाक हो गया और जुबान सच्ची होगी,
अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वो बंदा सारे लोगों से अफजल हो जाता। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का अगर जायजा लिया जाए, ये याद रखें यहूदियों और ईसाइयों को हमारे साथ दुश्मनी क्या थी। वो पैगंबरों के मानने वाले थे, उनके ऊपर इनामात कसरत से हुए हुए, बल्कि यहां तक तज़करा मिलता बनी इसराइल वो उम्मत थी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के इनामात हुए हुए हैं, इनको सबसे ज्यादा मौजे मिले हुए। ये वो खुशनसीब कौम थी जिनके ऊपर बाकायदा मनो सलवा उतरता था। मनो सलवा उतरने का मतलब समझते हैं, पका पकाया खाना इनको मिलता था, घर से निकलने की जरूरत नहीं, कमाने की जरूरत नहीं, बाहर आने जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बना बनाया खाना आसमान से रोजाना। यानी ये कौम ऐसी कौम है कि उनके सामने रोजाना की बुनियाद पर दिन में दो या तीन दफा जितनी दफा वो खाना खाते थे उनके साथ ये मौजा होता था कि आसमान से पका पका खाना उनके लिए उतरता था। ये मौजा नहीं, और ये कितना बड़ा मौजा, और वो रोजाना इस मौजे को अपनी आंखों से देख। ये वो कौम थी जिनके अंदर सबसे ज्यादा अंबिया आए, सबसे ज्यादा नबी इस कौम के ऊपर नाजल हुए। लेकिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से उन्होंने इनकार क्यों किया? ये तो नबियों के मानने वाले, नबियों के ऊपर ईमान रखने वाले, मौजज़ात को अपनी आंखों से देखने वाले, किताबें इनके ऊपर उतरती रही हैं, किताबों को पढ़ने। सिर्फ एक बीमारी थी, हसद। इनका ख्याल था, इनकी ख्वाहिश थी, इनकी सोच और फिक्र थी। आखिरी नबी जो उतरेगा, इनको इल्म था। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक इस कदर जानते थे गोया कोई इंसान अपने बेटे को जिस तरह जानता है ना, जिस तरह अपने बेटे को पहचानता है, ये मेरा बेटा है, उसके हवाले से कोई डाउटफुल हो सकता है, अपनी औलाद के मुतालिक को परेशान हो सकता है, मेरा बच्चा इनमें से कौन सा, मेरा बेटा इनमें से नहीं। वो लाखों में खड़ा, वो हजारों में खड़ा, वो सैकड़ों में खड़ा, अपना बेटा फौरन पहचाना जाता है। जिस तरह इंसान अपने बेटे को पहचानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के, कुरान कहता है ये इस तरह, इतना यकीन था इनको, इतना ईमान था और इतनी निशानियां थी इनके पास कुरान करीम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के, इनको मुकम्मल खबर कर दी गई थी तौरात में, इंजील में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से इनको मुकम्मल बतला दिया गया था। सारी निशानियां थी इनके पास, सब कुछ इनके, इनको पता था आखिरी नबी ने आया। फिर इन्होंने इनकार क्यों किया? सिर्फ एक ही बुनियाद, सिर्फ एक ही वजह, हसद। इनके जहन में बात यह थी, इनके जहन में सोच ये थी, सारे अंबिया जो चलते चले आ रहे हैं वो बनी इसराइल से चलते आ रहे हैं, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल और उनकी लड़ी से चल गया। इनकी सोच और फिक्र ये थी हम सबसे आला कौम है, हम सबसे बरतर है, हम सबसे बेहतर है, सारे अंबिया हमारी नस्ल में आए, सारे अंबिया हमारी लड़ी में आए, लिहाजा ये शरफ भी हमें मिलेगा, ये एजाज भी हमें मिलेगा कि जो आखिरी नबी नाजिल होगा वो नबी भी हम ही नाजिल होगा। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस किए गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल को चुना, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल का इंतखाब किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से मबूस। ये सिर्फ हसद की बुनियाद पर मर गए। कुल मूतू बिगैज़िकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा ये जलते हैं, ये हसद करते हैं, वो अपने हसद में अपने गज़ब में सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के मर जाओ। वद्दा कसीरुम मिन अहली किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं ये अहले किताब जितने हैं ये ख्वाहिश रखते हैं किसी तरीके से इनको काफिर बना के रख दे, मुसलमानों को किसी तरीके से इनके दीन से फेर दे, इनको काफिर बना दे। वजह क्या है, सबब क्या है? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में हसद मौजूद है। मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, हक इनके ऊपर वाजे हो चुका है, इनको इलम हो चुका है, आखिरी नबी नाजुल हो चुके हैं, कुरान करीम सच्चा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, सारी बातें ये समझते हैं, सब कुछ ये जानते हैं। सिर्फ ये बात हजम नहीं हो रही, सिर्फ ये हसद और बुगज खत्म नहीं हो रहा, ये दावत और कीना खत्म नहीं हो रहा, आखिरी नबी उनमें से क्यों आ गया, हम में से क्यों नहीं आया, ये बनी इसराइल में से क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल से क्यों आ गए? सिर्फ इस हसद और बुगज को लेकर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। इतनी बुरी बीमारी, पूरी कौम बर्बाद होगी, पूरी नस्लें बर्बाद होगी सिर्फ एक हसद की वजह से।
कुरान करीम का अगर मुताला करें, हदीस शरीफा का अगर मुताला करें, दुनिया के अंदर पहली मुखालिफत जो मैंने पहले भी आप लोगों को यह बात बतलाई, दुनिया के अंदर जो पहला गुना सरजद हुआ है ना, इबलीस से सरजद हुआ था ना, सबसे पहली नाफरमानी किसने की थी? इबलीस ने, शैतान ने की थी ना। दो वजूहत थी, दो बातें थी उसके पीछे। एक कुरान करीम में है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फसजद अल मलाइकतु कुल्लु मजमूउ इल्ला इबलीस इस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم। قران کریم میں اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ نقل کیا اور کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، مختصر بھی تفصیلا بھی۔ دو بیماریاں تھیں اس میں، دو وجوہات بنی تھیں۔ ابلیس بڑا مقرب تھا، یہ باوجود جن ہونے کے، باوجود جنوں، یہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور فرشتوں کا سردار گردانا جاتا تھا، جنات کا سردار تو تھا، یہ فرشتوں میں بڑا مقام پا گیا تھا، ہے فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، یہ جن ہے، ابلیس شیطان جو جن ہے، یہ ان میں سے ہونے کے بعد یہ فرشتوں کی مجلس میں مقام پا۔ اس نے جب جناب آدم علیہ السلام کو دیکھا، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی قوم جس کے متعلق مجھ سے اوپر فرشتے اور فرشتوں سے اوپر انسان آ رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے فسجد الملائکہ تو کلو مجمعون، سارے فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کہا تم بھی سجدہ کرو، الا ابلیس یہ اکڑ گیا، استکبر۔ دو گناہ ہے، پہلا گناہ حسد کا شکار ہوا، کہنے لگا مجھ سے بہتر، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتو من طین، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے کوئی بہتر کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں اس کو مانتا۔ دلیلیں دینے لگا، وضاحتیں دینے لگا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی فطرت ہے اس کو پھینکے وہ نیچے جاتی ہے، آگ کی فطرت ہے اس کو جلائے وہ اوپر کو جاتی ہے، لہذا میرا مرتبہ اونچا بنتا ہے، اس کا مرتبہ نیچے بنتا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اس تک پر تکبر کا شکار ہو گیا۔ حسد شروع ہوا جناب آدم علیہ السلام سے، میرے سے آگے نکل گئے، مجھ سے اوپر ہو گئے، مجھ سے اونچے ہو گئے، مجھ سے بہتر ہو گئے، مجھ سے برتر ہو گئے، ہمیں حکم مل رہا ہے ان کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو حکم مل رہا ہے ان کو سجدہ کرنے کا، حسد کا شکار ہوا، اس حسد کی بنیاد پر تکبر کرنا شروع کر دیا، نہیں 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 میں نہیں مانتا، میں نہیں ان کو تسلیم کرتا، میں نہیں ان کو سجدہ کرتا، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں ان سے اونچا ہوں۔ یہ دو بیماریاں اور آج تک اور قیامت تک ساری نسلوں کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے، دنیا میں اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، ہر نبی ہر امت ابلیس کے اوپر، شیطان کے اوپر لعنتیں برسا رہے ہیں، اسے تھو تھو کر رہے ہیں، کیوں؟ صرف ان دو گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے تکبر، پہلا سبب بننے والی بیماری، حسد کیا، حسد کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوا، اور تکبر کی وجہ سے دھتکارا گیا، رد کر دیا گیا، شیطان مردود قرار پایا، ساری نیکیاں سارا کچھ غلط ہو گیا صرف اس بیماری کی وجہ سے۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھے، یہ بیماری آ جائے تو یہ سارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، سارا دین ختم کر دی، اتنی بری، اس کی ساری نیکیاں غارت ہو گئی، اس کا سارا ایمان غارت ہو گیا، سب کچھ جاتا رہا صرف اس ایک بیماری میں۔ دنیا کے اندر انسانوں میں، یہ تو بات ہے نا جنات کی، جن تھا نا، دنیا میں انسانوں میں پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ کیا تھا؟ قتل تھا۔ کس نے کیا؟ قابیل نے۔ کس کا؟ حابیل کا۔ سبب کیا اپنا؟ وَعَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اس قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دونوں بھائی تھے، جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی، قربانی کر کے اللہ کے روبرو پیش کی، اس دور میں یہ اللہ رب العالمین کی سنت تھی، اللہ رب العالمین کا طریقہ تھا، قربانی کو قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی، قربانی کھائی نہیں جاتی تھی، یہ ہماری امت پہ انعام ہے، یہ ہماری امت پہ اللہ کا فضل ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، ہم خود ہی اس کا گوشت کھا جاتے ہیں، ہم سارا کچھ خود ہی استعمال کر جاتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے، ان امتوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا، وہ قربانی کرتے تھے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پہ رکھاتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھاتے تھے یا کھلے میدان میں رکھاتے تھے، آسمان سے بجلی لپکتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ جلا کے راکھ کر دیتی تھی، واضح پتہ چلتا تھا یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ دو باتیں، ایک تو آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے انعام ہے نا، کہ آپ کو کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے، سارا کچھ مل جاتا ہے، ایک یہ چیز سمجھیں، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا تھا
वहीं पर जाहिर हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर पर्दे रखे हुए हैं ना, अल्लाह ने हमें छुपाया हुआ। लोग इतनी इतनी रियाकारी कर जाते हैं, लोग इतनी इतनी शोपरस्ती कर जाते हैं, लोगों का मन कुछ कर रहा होता है, अंदर नीयत कुछ होती है, इरादा कुछ होता है, अल्लाह की रजा होती है ये नहीं होती। जानवर जबा किए जा रहे होते हैं, कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई हम शनाख्त नहीं कर सकता, कोई किसी को ताना नहीं दे सकता आपकी कुर्बानी कबूल हुई है कि नहीं हुई। उस दौर में वाजे हो जाता था, बंदा पकड़ा जाता था तेरी कुर्बानी कबूल हुई है कि नहीं, ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह ने हम पे पर्दा रखा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने छुपाया हुआ है, अल्लाह ने अपने पास मामला रखा, अल्लाह ने लोगों पे जाहिर नहीं अब किया कि कबूल हुई है या नहीं हुई, ये मामले अल्लाह के इख्तियार। अल्लाह अकबर। दोनों भाइयों ने कुर्बानी की, काबील हाबील, हाबील की कुर्बानी कबूल होगी, आसमान से बिजली गिरी उसकी कुर्बानी जल के राख हो गई, काबील की ना हुई, जल गया, हसद का शिकार हो गया। कहने लगा ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी, मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं? قال انما يتقبل الله من المتقين। वो कहने लगा भाई सीधा साधा मसला है, मेरे साथ लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं, एक रूल है, एक असूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करते हैं, तुम्हारे से कुछ गलती सरजद हुई होगी, कोई ऐसा मामला तुमसे सरजद हुआ है, कोई ऐसी बात तुमसे सरजद हुई है जिसकी वजह से, इसमें मेरे साथ लड़ने झगड़ने का क्या मामला, तुम्हारा मेरे साथ क्या ताल्लुक बनता है, कुर्बानी करके इसके लिए रहे हो, बोले अल्लाह के लिए, कबूल किसने करनी है, अल्लाह ने, आसमान से बिजली किसने गिरानी है, अल्लाह, तो मामला तुम्हारा डायरेक्ट अल्लाह के साथ, इसमें मेरा नहीं, तेरी क्यों कबूल हुई? समझ रहे हैं बात को? हसद करने वाला ये जहन में रखे, अच्छी तरह इस बात को समझे, वो झगड़ता लोगों से नहीं है, ये बीमारी हलक क्यों मोड़ दिया दीन का, ये क्यों दीन को चटियल और साफ कर दे, ये इतनी संगीन बीमारी क्यों है? हसद करने वाला कभी भी लोगों का दुश्मन नहीं बनता, अच्छी तरह ध्यान में रखें, अच्छी तरह इस बात को समझे, हसद करने वाला लोगों से दुश्मनी नहीं पालता, वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो अल्लाह की मुखालफत कर रहा होता है, वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हो रहा होता, वो अल्लाह की तकसीम के खिलाफ जा रहा होता है, वो अल्लाह के खिलाफ खड़ा हो रहा होता है, क्यों किया अल्लाह ने ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, अल्लाह ने इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? बात समझ में आई है? तकसीम करने वाला कौन है, देने वाला कौन है, ना देने वाला कौन है? तो अगर आप किसी की जात के हवाले से हसद का शिकार हो रहे हैं, आप उस बंदे की जात पे अटैक कर रहे हैं, आप अल्लाह की जात पे अटैक कर रहे हैं, आप अल्लाह की मुखालफत बोल रहे हैं, अल्लाह ने इसको क्यों दिया? यही बात उसने की हबीब, उसने कहा भाई मेरा क्या कसूर है, मामला तो अल्लाह का, कबूल करने वाले अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी नहीं कबूल की, मेरी कबूल कर रही, इसमें मेरे का नहीं, लाक्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा लईन बसत्ता इलैया यदक लियक्तुल मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लियक्तुल, उसने कहा तू मुझे कत्ल करना चाहता तो कर दे, मैं तेरा मुकाबला नहीं करूंगा, तेरे खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तुझे जो समझ में आता तू कर ले, मैं तुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं। भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया, सबब क्या था, बोले हसद था, पहला कत्ल दुनिया में होने वाला सब उसका कत्ल था, इतनी बुरी बीमारी है। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा जो कुरान करीम में मौजूद है उसमें क्या तज़किरा मिलता है, बड़ा सबक है, बड़ी समझाने वाली बात है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे दिलो दिमाग में ये बात और आपके दिलो दिमाग में ये बात बिठा दे, अल्लाह हमें समझ अता फरमा दे, कल्ब सलीम अता फरमा दे, अक्ल सलीम अता फरमा दे। समझिएगा इस बात को, जनाबे यूसुफ अली सलाम ने जब अपने बाप को जाके किस्सा सुनाया, अपना ख्वाब सुनाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे सूरज चांद सितारे सजदा कर रहे हैं। قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا। बाप पैगंबर थे ना, यूसुफ अली सलाम के वालिद याकूब अली सलाम पैगंबर थे, उन्होंने पहली बात क्या कही थी, ला तक्सुस रुया का अला इख्वती, अभी सिर्फ ख्वाब देखा था, अभी हकीकत का जहूर नहीं हुआ, अभी हकीकत जाहिर नहीं हुई। ये बात बड़ी समझने वाली है, मैं इसके ऊपर बड़ा जोर दूंगा और समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अब्बा जी पैगंबर है, बेटे ने, बेटा भी आने वाली जिंदगी में पैगंबर बनने वाला है, बेटे ने जाके सिर्फ ख्वाब सुनाया, अब्बा जी मैंने ये ख्वाब देखा है, सूरज चांद सितारे मुझे सजदा करें। अब्बा जी ने क्या कहा, पुत्र अपने सगे भाइयों को यह ख्वाब नहीं सुनाना, क्यों, फयकीदू लका कईदा, हसद में मुबतला हो जाएंगे, तेरे साथ दुश्मनी पाल लेंगे, तेरे खिलाफ हो जाएंगे,
इन शैतान अलिल इंसानियत, पुत्र उनका कसूर नहीं होना, ये नहीं कि वो बुरे बन जाए। शैतान बड़ा जालिम है, शैतान उनके दिलों में ये बात, शैतान बड़ा दुश्मन है, शैतान खुद इस बीमारी का शिकार हुआ, खुद इस मामले से गुजरा हुआ, वो ये काम तेरे साथ करेगा। थोड़ा सा आगे चले, अभी वो जहूर नहीं हुआ, अभी वो ख्वाब सच्चा साबित नहीं हुआ, ना वो ख्वाब सुना गया ना सुनाया गया, यूसुफ अलैहि सलाम ने बात के ऊपर अमल किया नहीं सुनाया, वो ऐनी अपने दिमाग में उनके बातें चलती चलती, उक्तलू यूसुफ अभी तरह कहने लगे, ये यूसुफ और इसका भाई जो है ना हमारे अब्बा जी बड़ा जुल्म करते हैं, हमारे साथ प्यार नहीं करते, इनके साथ बड़ा प्यार। क्या बुनियाद बन रही थी? हसद बुनियाद बन, सिर्फ इस बुनियाद पे अब्बा जी हमसे प्यार नहीं करते, उनके साथ प्यार करते हैं, यूसुफ के साथ अब्बा जी का ज्यादा प्यार है, हमारे साथ ज्यादा कम प्यार है, तो यूं ना करेंगे, इसको कत्ल ही कर दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सगा भाई सगे भाई को कत्ल करने की सोच रहा है, प्लानिंग बना रहे हैं, बुनियाद पीछे हसद मान नहीं, इसको कत्ल ना कर दे। अब्बा जी इसके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसको एक कहने लगा रहम आया को थोड़ा सोचने का नहीं, चलो कत्ल नहीं करते, अब इतरा हूं वर्जा यखलुलकुम अजवाबीकुम वतकूनु मिन बादिकुम, इसको बजी की नजरों से दूर कर दो, गायब कर दो, कहीं ऐसी जगह पर फेंक दो जहां से ये दोबारा बजी के सामने ना आ सके। चलो फिर ये नहीं होगा ना तो अब्बा जी फिर हमसे प्यार किया करें। अल्लाह अकबर, ये वो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से 1450 साल गुजर गए जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उससे पहले जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आज तक ये हसद की बीमारी चल रही है कि नहीं चल रही? घरों में ये कंपटीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा? बच्चे माँ बाप के, अल्लाह की कसम ये बातें बड़ी समझने वाली है, ये बातें बड़ी गौर व फिक्र कर, ये सिर्फ कुरानी किस्से कहानियां नहीं है, वो इनमें बड़े इसबाक है, इनमें बड़े सबक है, मेरे और आपके समझने के लिए बड़ी बातें। वो दौर और आज का दौर, आज भी बच्चे आपस में एक दूसरे की मुखालफत मोल ले रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, माँ बाप की आंखों का तारा बनने की कोशिश, एक दूसरे को बुरा साबित करके खुद को अच्छा साबित करने की, अल्लाह की कसम उठा के करो, मिम्बर रसूल पे पढ़ो, मेरे जहन में आज भी ये वाकया और आज भी बातें, आज भी ये मामले और आज भी केसेस आते हैं और आज भी बातें सुनने को मिलती है, लोग अपने मसले शेयर करते हैं, लोग अपने मसले डिस्कस करते हैं, हजरत साहब भाई भाई का बैठ के माँ के सामने गला घोंट रहा होता है, माँ तुम्हें तो पता ही नहीं उस पुत्र से बड़ा प्यार करती है, वो तो ऐसा वैसा है, अम्मा तो अब्बा जी तुसी और बड़ी सैड लैंदे हो, तुहानू पता नहीं अंदर खाते की तुहाडे बारे च की कहंदा, अल्लाह ने पर्दा रखा, मैं तुहानू अल्लाह ने पर्दा रखा तो तू क्यों पर्दा चाक कर रहा है? अल्लाह ने अगर उसका मामला हसद खत्म होने भी नहीं आ रहा, अदावत खत्म होने भी नहीं आ रही, कीना खत्म हो, सड़ सड़ कुड़ वही दुनिया के अंदर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तस्करा किया, पैगंबरों का घराना, पैगंबर का घर, पैगंबर के बेटे पैगंबर के साथ ये सलूक कर रहे हैं सिर्फ हसद की बुनियाद के ऊपर, कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, उठा के अब्बा जी की नजरों से फेंक दें, सिर्फ पीछे हसद की बीमारी चल रही है। अब्बा जी इससे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं हमसे, प्यार कम क्यों करते हैं, इसको मुकाम और मर्तबा क्यों हासिल हो रहा है, हमें मुकाम और इतनी बुरी बीमारी। हजरत मोहतरम आखिरी 12-15 मिनट जितना भी टाइम है, बचने के तरीके क्या है? हसद है तो सही, बीमारी है तो सही, दो बातें इसमें से बचने के, एक आप हसद का शिकार ना हो, लोगों के साथ हसद ना करें, इससे कैसे बचा जा सकता कि हमारे दिल में हसद मौजूद ना, एक है लोग आपसे हसद करें तो तब क्या करें। पहली बात जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, और बड़ा ही प्यारा नजरिया अपनी जिंदगी का एक असूल बना रहे, रूल बना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस मुबारक, फरमाया तुम में से जब भी कोई शख्स अपने से ऊपर वाले इंसान को देखे ना, नेमत में, हुसन में, इखलाक में, माल में, किसी भी चीज, अपने से बढ़ के किसी फर्द को देखे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फौरन अपने से नीचे वाले को देखे। जब भी किसी ऐसे फर्द को देखे ना जिसके पास नेमत आपसे ज्यादा मौजूद है, आपके दिल और दिमाग में ये सोच और फिक्र आने लगे ना कि यार इसको क्यों मिला हुआ है, इसके पास क्यों है, ये मुझसे ज्यादा अमीर क्यों है, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, ये मुझसे ज्यादा मुतमइन क्यों है, ये मुझसे ज्यादा आसाइश में क्यों है, फौरन अपने से नीचे झांकना शुरू कर दें। कई लोग ऐसे भी तो हैं जो मुझसे बेचारे कमजोर हैं, जिनके पास इतना भी नहीं जितना अल्लाह ने मुझे दिया, जिनकी सूरत ऐसी भी नहीं जैसी सूरत अल्लाह ने मुझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आज़ाब पूरे दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुकम्मल बनाया, कामिल बनाया, बड़ी दुनिया से जो मुकम्मल और कामिल नहीं। आजकल वो रिंग टोन चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, 10-12% अफराद ऐसे जो ज़हनी या जिस्मानी माजूरी का, अल्लाह ने आपको कामिल बनाया, मुकम्मल बनाया, ये अल्लाह का फजल नहीं है,
ये अल्लाह का एहसान नहीं है। खुशी करें, शुक्र अदा करें, हमेशा हसद से बचना है। ऊपर वाले को देखते साथ ही फौरन नीचे वाले की तरफ ध्यान दौड़ाएं, नीचे निगाह दौड़ाएं, अल्लाह तेरी जात का शुक्र, तूने मुझे, जिनके अंदर को उजर मौजूद है, जिनके अंदर कोई परेशानी मौजूद, अल्लाह की कसम अपने से नीचे देखें, किसी की एक टांग नहीं, किसी का एक बाजू, वो उनके देखे जिनकी दोनों टांगे नहीं होती, जो चल ही नहीं सकते, जिनके दोनों हाथ। वो एक इमाम का किस्सा मशहूर है, मारूफ है, मैंने सनद उसकी नहीं देखी, जूता नहीं था पाँव में तो मस्जिद में बैठ के आहोजारी कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को तूने इतना अता किया हुआ है, लोगों के पास इतना कुछ मौजूद है, मेरे पास पाँव में जूता तक मौजूद नहीं है, ये दुआ शुआ मांग के अल्लाह मुझे जूता अता कर दे। बाहर निकले तो एक शख्स को देखा, उस जमीन के ऊपर दोनों हाथों से अपने जिस्म को घसीट रहा था, उसकी दोनों टांगे ही नहीं थी, वापस भागे मस्जिद की तरफ, कहा अल्लाह तेरी जात का शुक्र है, मेरे पास तो जूता नहीं, उसके पास तो टांगे ही नहीं है। सोच बेहतर बनाए, फिक्र, अगर हसद से बचना चाहते हैं ना, हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों से। दूसरी बात, दूसरी चीज, अल्लाह की तकसीम पर राजी होना सीखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम पर राजी हो जाए, ये सोच और फिक्र बना ले, देने वाला कौन है, मिलता किसके हुक्म से है, छीनता कौन है, ना दे तो कौन नहीं देता। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, اللهم لا مانع لما آتيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد। अल्लाह जिसे तू देने पे आए सारी दुनिया मिलकर उसे छीन सकती है, और अल्लाह जिसे तू छीन ले सारी दुनिया मिलकर उसे दे सकती है। अल्लाह मैं तेरी तकसीम पर हूं, अपने दिल को मुतमईन कर ले, राजी कर ले, अल्लाह देने वाला तू है, छीनने वाला तू है, तूने उसको दिया मुझे नहीं दिया, तेरी तकसीम है, मैं तेरी तकसीम, रजी तो बिल्लाह है रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राजी हूं, मैं खुश हूं, तूने मुझे जिस हाल में रखा, जिस अंदाज में रखा, तूने लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर बनाया। मैंने आप लोगों को बड़ी मर्तबा सुना है, घर में कोई तंगी आए ना, हालात की तंगी आए, कारोबार की तंगी आए, रिज़्क़ की तंगी आए, तो बजाय शिकवे शिकायतें करने के, रोने धोने के, इधर उधर जाके सुनाने के, कई साहिबान के सामने गिला शिकवा करने के, मेहनत बड़ी कर रहा हूं, ये बड़ा कर रहा हूं, घर फिर पूरी नहीं पड़ती, बरकत पूरी नहीं होती, ये नहीं होता, कारोबार नहीं चल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, जरा दुनिया की तरफ नजर दौड़ाया करें। मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 80% अफराद ऐसे हैं जिनको 3 वक्त का खाना मैसर नहीं है। मेरे और आपके घरों में दाने पड़े हैं, हमारे घरों में अनाज पड़ा है, हमारे घरों में आटे के कैन भरे पड़े हैं, हमारे घरों में चावलों की बोरियां पड़ी हैं, हमारे घरों में दालें स्टॉक की हैं, गोश्त और मुर्गी के पैकेट फ्रिजों में रखे हैं, उसके बावजूद हमारा रोना नहीं खत्म होता, हमारा धोना नहीं खत्म होता। अल्लाह के बंदो, शुक्र अदा किया करो, नीचे देखा करो, कई दुनिया ऐसी है जिनको 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें खाने को तो दिया हुआ है। हजारा लोग अल्लाह की तकसीम पर राजी हो गए, अल्लाह तेरी जात का शुक्र है, तूने जितना दिया मैं तेरी तकसीम पर राजी हूं, मैं शुक्र ही नहीं करता। अल्लाह की तकसीम पर राजी होना सीखे। हसद कोई आपसे करने लग जाए तो क्या करना है, 2-3 बातें बड़ी समझने वाली, और ये बड़ी जरूरी बात नौजवानों के लिए खास तौर पर, पढ़े लिखे लोगों के लिए खास तौर पर, सोशल मीडिया से अटैच लोगों के लिए खास तौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जरूरियात को, इत्तबरानी की हदीस है, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए पर्दे से काम लो। किससे काम लो? पर्दे से। मतलब क्या है? अपनी जरूरियात को पूरा करना हो ना तो उनको छुपा के पूरा किया करो। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है, जिसको भी नेमत करते उसके हसद करने वाले बेशुमार हो। कब क्या मिल रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कोई नेमत दी है ना, तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है किसी तरीके से, कोशिश ये करो, हमारी पंजाबी जबान में जिसे कहते हैं ना ओला रखना, पर्दा रखना, पर्दा रखा करो, कोशिश किया करो, जाहिर ना होने दिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कितना नवाज रहे हैं, कहां से नवाज रहे हैं, कैसे। हाँ, ये नहीं हुक्म कि आप कुंजूसी करना शुरू कर दें। अल्लाह ने आपको अच्छा दिया, आप अच्छा लिबास ना पहने, अल्लाह ने आपको अच्छा था कि आप अच्छा पहन खाए ना, नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। लोगों के सामने खुल के इजहार ना किया करो कि मेरे पास बड़ी नेमतें हैं, मेरे पास बड़ा कुछ है, मुझे यहां से माल आ रहा है, मेरा वहां से काम चल रहा है, ये कर रहा वो कर। क्यों? हदीस ही है, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। हजरत मोहतरम, जरा गौर फिक्र करें,
बड़े घरानों में ये रोना धोना, बच्चों को नजर लग जाती है, हसद खा गया वो ना, बस ना आपको क्या बताएं, मेरा काम कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, फिर मेरे भाइयों का काम अच्छा नहीं था, मुझे लगता है वो ना बस उनकी नजर खा गया, उनका ये खा गया, उनका वो खा गया। हजरत मोहतरम हमारा हाल पता क्या है, हम अपने घर से निकलते हैं किसी होटल में जाए खाना खाने के लिए, होटलिंग करें तो फौरन हमारा स्टेटस अपडेट हो जाता है, बोले एक एक डिश अपडेट होती है, होटलिंग अपडेट होती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, कहां कहां पे नहीं हम लगाते सारी दुनिया। क्या मकसद है इसका, क्या मकसद है इसका, दुनिया को दिखला रहे होते हैं मैंने आज ये खाया। अल्लाह के पैगंबर को गर्म दे रहे हैं, अपनी नेमतों को छुपा के रखा करो, नेमत अल्लाह तुम्हारी जरूरियात पूरी कर, क्यों इससे हसद किया जाता है, हम उसका स्टेटस लगा के पूरी दुनिया को 100, 200, 400, 500, 600 हर बंदा देख रहा है। कितने ऐसे होंगे जिन बेचारों को वो खाना कभी नसीब नहीं हुआ होगा, क्या वो देख के हसद का शिकार नहीं होंगे, वो अल्लाह के बंदे खुद भी अपने आप को हसद में शिकार करवा रहे हो, लोगों को भी गुनाह में मुबतला कर रहे हो, क्यों दिखला रहे हो, नारान जा रहे हो, कवान जा रहे हो, टूर कर रहे हो, मरी फिर रहे हो, यहां जहां भी जा, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने का क्या मकसद है, दुनिया को दिखलाने का क्या मकसद है, फेसबुक पे लगाने का क्या मकसद है, स्नैपचैट पे लगाने का क्या मकसद है, दुनिया को दिखलाना चाह रहे हो, दुनिया को सुनाना चाह रहे हो मेरे पास ये नेमत मौजूद है, तुम्हारे पास ये नेमत नहीं है, मतलब तुम खुद ख्वाहिश रखते हो। हदीस पता क्या है, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नजर होती है ना हसद की, एक किस्म है ना नजर लग जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिंदा इंसान को हड्डियों में तब्दील करके मुर्दा बना देती है, फरमाया जीते जागते ऊंट को हंडिया में डाल देती है, इतनी बुरी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमाया मेरी उम्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर फैसले के बाद सबसे ज्यादा अमवात जो होगी वो नजर लगने की वजह से होगी, ये मार देने वाली चीज है, ये तो तबाह कर देने वाली चीज, तुम खुद दुनिया के सामने अपने, वैसे कारी साहब को जाके कहते हो कहा सब दुआ करो नजर लग गई, किस तरह हसद खा और दिखा तुम खुद रहे हो, शो ऑफ तुम खुद कर रहे हो, जाहिर तुम खुद कर रहे हो, दावत तुम खुद अवसारों को दे रहे हो, सब दावत ही है ना, बात समझ में आ रही है, सबको चैलेंज कर रहे हो, सबको दिखला रहे हो, लो भाई लगाओ हमें नजर, लगा सकते हो तो लगा लो, लोग करो हाँ सद मुझसे कर सकते हो तो कर लो, मैं तो यहां भी जा रहा हूं, मैं तो ये भी खा रहा हूं, मैं तो यहां भी कर रहा हूं, मैं तो अल्लाह के बंदो हुक्म ये हदीस, इसको छुपा के रखो, इसमें पर्दा रखो, एक चीज। दूसरी चीज जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुवज्जतैन नाजिल की ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक के आखिर में ना, वमिन शर्रि हासिदिन, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हासिद के हसद से, है ना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दो सूरतों के नजूल से पहले मैं सुबह शाम अपने ऊपर अज़कार किया करता था, दम दरूद किया करता था, पढ़ा करता था और जिक्र और वज़ाइफ करके अपने जिस्म पे फूका करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये दो सूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दी, मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, इन दो सूरतों से पनाह लेनी शुरू कर दी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दो सूरतों की वजह से जो पनाह देते हैं वो किसी चीज से भी पनाह नहीं देते। सबसे काबिल तरीन, सबसे मजबूत तरीन, सबसे कामल तरीन जो वजीफा हसद से बचने का, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुवज्जत है। और सुबह शाम कोशिश किया करें, हम दो के बजाय तीन कुल या चार कुल कह लेते हैं, तीन कुल तक तो मिलते हैं, ये चार कुल हम बाज लोग बना लेते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक के मुताबिक अमल करते हुए सुबह फजर की नमाज के बाद लाजिमन तीन दफा पढ़ के, मगरब की नमाज के बाद तीन दफा पढ़ के, रात इशा के बाद सोने के बाद जब बिस्तर पे लेटे तीन दफा पढ़ के, अपने हाथों पे फूक के अपने जिस्म पे फेरा करें, हासिद की हसद से बच जाएंगे, लोगों का हसद आपको नुकसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद और नजर से बचने की दुआएं, वो दुआएं याद करें, बिस्मिल्लाह हरकीका मिन कुल्ली शय्यिन युज़ीका अमिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन नवईन हासिदिन अल्लाहु यशफी, ये दुआ याद करें अपने बच्चों। अल्लाह के लिए मैं लोगों को कहां करता हूं, बच्चे को नजर लग गई है, बच्चे को हसद की नजर खा गई है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बीमार हो गया, पूछा जाए हजरत साहब कुछ स्टेटस तो नहीं था लगाया इसका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसकी कोई तस्वीर तो नहीं पड़ी, वो तो मैं सारी अपलोड करता हूँ, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। और भाई प्यारा लगता तो तेरे घर में मौजूद है, इसको घर में प्यार कर, लोगों को क्यों दिखा रहा, तुझे क्या पता कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी निगाहें तरसी होंगी, औलाद को तरसते होंगे, देख के पता नहीं उनके दिल से क्या निकलती होगी, तू क्यों लोड कर रहा है, तू क्यों दिखा। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं कई केसेस ऐसे हैं, कई मसाइल ऐसे
बच्चों की तस्वीरें फेसबुक पे लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, बाद में रोते फिरते हैं, बच्चा बीमार होकर रोते ही रहता, चुप नहीं करता, खाता कुछ नहीं, कमजोर। और भाई तुमने खुद लोगों के सामने चैलेंज रखा हुआ है, अपने बच्चे को पेश किया हुआ है, देखो इसको, इस पर नजर लगाओ, इसके साथ ऐसा भी करो, तो लोग कर रहे हैं और बच्चा बीमार हो रहा है, परेशान। अल्लाह अकबर। बच्चों के ऊपर दम किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि तामाति मिन कुल्ली शैतानिन हामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मोहतरम से लिखवा लीजिएगा ये दम, बिस्मिल्लाह इरगी का ये वाला दम भी, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दम है और ये पैगम्बरों का दम है, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि तामा, पैगम्बर अपने पैगम्बर औलाद को ये दम किया करते थे, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सरदारों को ये दम किया करते, ये दम करने की आदत अपना है। तीसरी आखिरी बात, अगर कोई आपसे हसद कर रहा है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, तालीम ये है अल्लाह की जात पे तवक्कल करना शुरू कर दे, भरोसा शुरू कर, समझ लग गई ना, पता चल गया फलां बंदा जो मुझसे हसद करता है, अपना ईमान तवक्कल यकीन मजबूत बना ले, अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, अल्लाह अगर ये मेरे साथ हसद कर रहा है, मेरे मुतालिक बुरी सोच रख रहा है, ये मेरी जात को उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होती, अल्लाह आप मुझे इसके असर से, अल्लाह कुरान करीम में कहते हैं तवक्कल अल्लाह फवासबु, जो अल्लाह पे तवक्कल करना शुरू कर देता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं, किसी का हसद उसे नुकसान पहुंचा सकता नहीं। अल्लाह की जात पे तवक्कल शुरू कर दे, अल्लाह की जात पे भरोसा शुरू कर, ये चंद एक बातें, ये चंद एक नुस्खे इनको अपनाएं, अपनी जिंदगी में लेके आए, ना किसी से हसद करें, ना किसी के साथ बोगस रखें, ना अपने आप को लोगों के सामने हसद के लिए पेश करें। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्ना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से हसद के हवाले से चंद एक बातों की वजाहत की गई, ये इंतहाई खतरनाक बीमारी आपको आपकी ज़ात के हवाले से परेशान, दूसरे किसी फर्द को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, आपको आपकी ज़ात के हद तक जरूर वो नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी। कितना नुकसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ईमान को मूड के रख देने वाली, ईमान को मिटा देने वाली ये बीमारी है, इस बीमारी का कतन शिकार हो, लोगों से हसद ना करें, कहीं भी किसी के ऊपर नेमत देखें उसको दुआ दें, उसके हवाले से कोशिश करें उसको बेहतर, अल्लाह मजीद बेहतर अता फरमाए। हाँ, अपने हवाले से अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, मांगे जरूर मांगे, लेकिन किसी से छिन जाने की ख्वाहिश ना करें, अपने से कमतर लोगों को देखें, अपने से नीचे वाले अफराद को देखें, उन लोगों को देखें जिन्हें अल्लाह ने वो भी नहीं दिया जो कुछ आपको अता किए। दूसरी बात, अगर आपको महसूस हो कोई बंदा आपके साथ हसद कर रहा है, तो चंद एक नुस्खे उसके हवाले से, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करें, मौवज़ातैन का इस्तेमाल करें, कसरत के साथ जिक्र अज़कार करें, जो दम दरूद अज़कार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुए, उनसे मदद हासिल करें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बीमार हैं सब बीमारों के शिफाए कामना अता फरमाए, परेशान हालों की अल्लाह सारी परेशानियाँ दूर फरमाए, हमारी जितनी जायज़ ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएँ हैं, जायज़ ज़रूरियात, अल्लाह सब पूरी फरमाए, जो जो ख्वाहिश दिलों में पल रही है, अच्छी ख्वाहिश है, नेक ख्वाहिश है, साफ़ सुथरी ख्वाहिश, अल्लाह उस ख्वाहिश को पूरा फरमाए, अल्लाह उस ख्वाहिश को पूरा फरमाए, जो हमारे मामले उलझे हुए हैं अल्लाह सारे मामलों को सुलझा दे, जो मसाइल अटके हुए हैं अल्लाह उनकी बेहतरी का रास्ता बना दे, हमारे सारे मामलात के अल्लाह इस्लाह फरमाए, हमारे दिलों को अल्लाह पाक और साफ फरमा दे, हर किस्म के हसद बोगस दावत की ना को अल्लाह हमारे दिलों से ख़त्म फरमा दे, आपस में प्यार मोहब्बत उनसे इत्तेफाक के साथ रहने के अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, खैर वाला जज्बा अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमा लें, अपने पसंदीदा बंदों में हमारा अल्लाह शुमार फरमा लें, जो फोत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दें, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा लें, उनके कब्रों को अल्लाह जन्नत के बागीचे बना दें, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह रहम फरमा दें, इस मुल्क की मईशत को अल्लाह बेहतरीन बना दें, डिफ़ॉल्ट होने की खबरें चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ज़र मुबादला ख़त्म हो रहा है, अल्लाह पूरी करने वाले हैं ज़रूरतें, अल्लाह हमारी ज़रूरियात को पूरा फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह हिफाजत फरमा लें, इस मुल्क के जितने दुश्मन हैं अल्लाह हम नहीं जानते, आप जानते हैं कौन हमारे मुल्क का खैर खा है, कौन हमारे मुल्क का दुश्मन है, अल्लाह इस मुल्क के जितने दुश्मन हैं उनको तबाह बर्बाद फरमा,
हमें बेहतरीन हुक्मरान अता फरमा, हमें खैर का हुक्मरान अता फरमा, ऐसे अफराद अता फरमा दे जिस मुल्क के लिए खैर का जज्बा रखते हो, मुसलमानों के लिए खैर का जज्बा रखते हो, जो हमारे लिए बेहतरीन हो, अल्लाह हमें वो अता फरमा दे। शरीरों के शर से अल्लाह महफूज फरमा दे, हासिदीन के हसद से अल्लाह महफूज फरमा दे, जो मांगा अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके भी मांगे अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला क़ुलूबि खैरिल ख़ल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।